Welcome again, well students, here we are going to discuss another important topic regarding local government, which is basic one, that is the distinction between local government and local self-government. There would be a no detailed discussion in this topic that it is for paper purpose that given in your course content that you need to highlight the difference between these two. As I have understand this topic you people in the class, but for your convenience I have made 4 to 5 slides for you. So without wasting our time, let's start. In introduction, I would like to highlight, you know that what is local government, and for your convenience that the difference that I would like to read this statement or the line that local government and local self-government in our country is generally known as local self-government in our country as well as in India too. The term local self-government is a legacy of the British rule when the country didn't have self-government either at the state or central level. यू नो बरतानिया वाले हुकूमत करते थे तो ये सिलसिला था और उन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, लोकल अफेयर्स को चलाने के लिए इंडियंस को लिया हुआ था, इसीलिए ये, और इट मेंट अ स्लाइस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर द पीपल. हाँ, बट नाउ द वर्ड सेल्फ हैज़ बिकम सुपरफ्लूअस और रिडंडेंट, आजकल नहीं है, बिकॉज द कंट्री हैज़ सेल्फ रूल एट ऑल लेवल्स. अटानमी आई दी है तो उसके बाद तो सूबों को सेल्फ रूल, और फिर उसके बाद सूबों के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो सेल्फ रूल है. ठीक है जी, सो नेक्स्ट स्लाइड हेयर लेट्स स्टार्ट दैट डिस्टिंक्शन जो है उसकी 3-4 बातें मैंने क्लियर की हुई हैं आपके लिए. नंबर वन इज़ दैट हेयर डिस्पाइट द डिस्टिंक्शन बोथ द टर्म्स आर कंटिन्यूड टू बी यूज इंटरचेंजेबली इन आवर कंट्री. यानी कहीं लोग सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कहते हैं और कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, कहीं सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं. सो द टर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ अ वैल्यू लाउडेड एंड वर्चुअस, बड़ा वर्चुअस है. हाँ, समटाइम्स डिफिकल्ट टू जस्टिफाई, वाइल द टर्म लोकल गवर्नमेंट इज़ मॉरल वन इन नेचर एंड प्रेफर टू वर्च्यू एम्बॉडिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से थोड़ा सा अच्छा. तो फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन हमें ये नज़र आते हैं कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट कैन बी प्रेजेंटेड, यानी इसके ये तरीके हैं. एक तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक पॉलिटिकल वन है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ मैंने, अच्छा आपकी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बड़ी स्लाइड्स जो हैं और बड़ा वीडियो जो है वो लोड होने में इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू पीपल, सो फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको कम किया है ताकि आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, और टाइम जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि कम टाइम में जो है ये हो सके. बाकी आप डिटेल खुद देख कर भी और इस तरह से लिख भी सकते हैं या ऐसे याद भी कर सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ इट वट द लोकल गवर्नमेंट, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी विड्रॉल फ्रॉम द सेंट्रल, डिसेंट्रलाइज कर दिया, इख्तियारात को ऊपर से हमने सेंटर से नीचे तक ले आए. वेयर एज लोकल गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीकंसेंट्रेशन, यानी लोकल गवर्नमेंट में यह है कि एक कनेक्शन है ऊपर के साथ, सेंटर के साथ और नीचे, और इनको डिटेल में मैं आगे हमारे लेक्चर आ रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, डीकंसेंट्रेशन, डिवेल्यूएशन, ये सारे वहाँ क्लियर होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको लिखना है आपने कि वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि विड्रॉल हो रही है इसकी सेंटर से और ख़ुद सारा का सारा काम नीचे हो रहा है, जबकि लोकल गवर्नमेंट में जो है वो एक कनेक्शन से, यानी अथॉरिटी को डीकंसेंट्रेट किया गया है. इसको आगे मैं कहीं नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, शायद नेक्स्ट कमिंग वही होंगी. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है, द करेक्टर ऑफ लोकल यूनिट इज सिंगुलर, जो के यूनिट्स जो हैं, जो लोग काम करने वाले हैं उनका कैरेक्टर उसमें बड़ा वो है, बिकॉज क्योंकि दे आर डिटेच फ्राम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, यानी सेंटर से या प्रोविंस से वो ज़रा हट कर होते हैं, उनका वो इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता. एज़ दी प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन इंग्लैंड, जो जिस तरह इंग्लैंड में काउंटीज़ बनाई हुई हैं, तो वो सेंटर जो करता है करे वो सेल्फ में अपना नीचे वो काम कर रहे होते हैं.
लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो कि फ्रांस में ज़्यादा बेहतर तरीके से और हमारे यहाँ भी है, दैट द यूनिट्स हैव ड्यूअल करेक्टर। जो यूनिट्स जो काम कर रहे होते हैं, जो आपके ज़िले काम कर रहे होते हैं, तहसीलें काउंसिल्स काम कर रही होती हैं, उनका तअल्लुक ऊपर ऊपर सेंटर या प्रोविंस से भी है और नीचे भी है, कॉमन के साथ भी। ये नहीं पढ़ता हूँ, बट इन लोकल गवर्नमेंट द यूनिट्स हैव ड्यूअल करेक्टर है एज लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स एंड ऑल्सो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। सो द फ्रेंच कम्यून्स इन फ्रांस एयर आफ्टर दिस टाइप। ठीक होगी बात, समझ आइए। थर्ड वन, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या है, स्टाफ जो है लोकल सेल्फ में, स्टाफ जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय एंड रिस्पॉन्सिबल बाय स्टाफ अपॉइंटेड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल टू रिस्पेक्टिव लोकल काउंसिल्स। यानी लोकल काउंसिल जो अपना ही स्टाफ उसका अपॉइंट करती हैं और वो उन्हीं को आंसरेबल होता है, ऊपर किसी जगह पर आंसरेबल नहीं है। दी फंक्शनरीज डू नॉट हैव पोजिशन इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकल काउंसिल्स। लेकिन इन द केस ऑफ लोकल गवर्नमेंट क्या है, जो जो ऑफिशियल्स हैं दे आर अपॉइंटेड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल अथॉरिटीज़। सेंट्रल अथॉरिटीज़ को या स्टेट अथॉरिटीज़ को या प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को, वही कुछ लोगों को। देखें इसकी अगर हिस्ट्री देखें, बड़ी बात लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान में तो 5-7 साइकिल इसके गुजरे हुए हैं और मुख्तलिफ अदवार में। शुरू में अगर आप बात करें यूब खान के दौर में, तो सारे का सारा स्टाफ की कुछ परसेंटेज, ज़्यादा परसेंटेज सेंटर से ही अपॉइंट होती थी। ठीक है, तो उन्हीं को रिस्पॉन्सिबल होते थे और वो प्योर जो है वो दोनों का मिक्सचर हमें नज़र आती थी। ठीक है जी, दी ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड। उसके बाद देखें, उसके बाद जैड भुट्टो का दौर आता है, देन जियाउल हक का दौर आता है, देन बेनज़ीर भुट्टो का दौर आता है, देन मुशरफ का, फिर उसका नवाज शरीफ का, और फिर अभी आपका इमरान खान। तो डिफरेंट टीयर्स आपको नज़र आएंगे, ये अलग से बात है। हमारा टॉपिक, हमारी डिस्कशन लोकल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगी, हम जनरल लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, अगर इस तरह की होता तो फिर हम स्पेसिफ़िकली हमारी डिस्कशन पाकिस्तान के हवाले से ही रिवॉल्व कर रही होगी। लेकिन अभी क्लास में टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ, या आखिर में अगर टाइम मिला तो ये चीज़ें भी डिस्कस करूँगा, लेकिन हमारी डिमांड ऑफ कंटेंट्स ये नहीं है। ठीक है जी, अंडरस्टैंड। सो मैं क्या कह रहा था कि ऑफिशियल जो हैं वो अपॉइंट सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है और उसी को जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं। तो क्या द लोकल काउंसिल्स क्या हैं कि हैव लिटिल डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर देम। यहाँ तक इस स्लाइड में बात समझ आ गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 ये है कि इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देयर इज़ ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ अटोनमी एंड डिसीजन मेकिंग, बट लोकल गवर्नमेंट डू नॉट इंजॉय लोकल फ्रीडम। यानी लोकल सेल्फ को ज़्यादा फैसला साजियों में अख्तियार हासिल होता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लोगों से पूछें या ना पूछें, लेकिन वो ज़्यादा बाख्तियार हो रहे होते हैं। जबकि लोकल थोड़ा सा मजबूर है कि भाई सेंटर या प्रोविंस या स्टेट गवर्नमेंट जो उनकी फ्रेम में हमने जो है वो काम करना है कि भाई हमने इतना रखना है, इतना रखना है, ये सारी चीज़ें, बजट, रेवेन्यू, सारा कुछ। टू बी मोर स्पेसिफिक, लोकल डिस्क्रिशन इज़ ऑफ वेरी रिस्ट्रिक्टिव नेचर। ठीक है जी, यानी बहुत कम हद तक उनको इख्तियार हासिल होता है। पॉइंट नंबर 5, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द काउंसिल्स आर इलेक्टिव। काउंसिल्स जो हैं वो आपकी इलेक्टिव होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं टू द लोकल पीपल्स और लॉ के हवाले से। द सेंट्रल अथॉरिटीज़ डू नॉट हैव द राइट टू सस्पेंड, सुपरसीड और डिसॉल्व द लोकल काउंसिल्स। यानी वो आकर इनको अपनी जॉब से हटाते नहीं हैं, ये अपॉइंट नहीं करते या उनको सजा नहीं देते। जबकि इन लोकल गवर्नमेंट टू, हाँ, द लोकल काउंसिल्स आर इलेक्टेड। वो भी लोग ही उनका इंतखाब करते हैं, वहाँ भी लोग इंतखाब करते हैं। सारे के सारे जो हमारे यहाँ देखें, जितने भी लोकल्स के हैं, मास्टर चंद एक लोगों के, चंद एक पोस्टों के, बाकी तमाम लोग होली का लफ्ज़ लिखा हुए या पार्शली लिखा हुए, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट, और पाकिस्तान में भी डिफरेंट अदवार में, पीरियड्स में डिफरेंट अंदाज से होली और पार्शली रहा है। बाई द लोकल काउंसिल्स आर इलेक्टेड होली और पार्शली, बट द सेम आर सब्जेक्ट टू दी सस्पेंशन। लेकिन इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, इनको सजा भी दी जा सकती है, इनको अपने ओहदे से हटाया भी जा सकता है। यानी सस्पेंशन, सप्रेशन और डिसोल्यूशन बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। समझ आ रही है बात। और आखिर में मैंने इसको कंक्लूड किया हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं एक नज़र के। इट इज़ क्वाइट एविडेंट डेट द मेन एजर्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ डेट सिस्टम इज़ बेस्ड ईदर ऑन डिसेंट्रलाइजेशन और डी कंसनट्रेशन। यानी डिसेंट्रलाइजेशन सेल्फ के लिए आ गया और डी कंसनट्रेशन लोकल के लिए आ गया।
تاہم دا پریویلنگ سچویشن از دیٹ نو سسٹم از بیسڈ آن ایدر آف دا ٹو پرنسپلز، یعنی دے دو ایکسکلوسولی بڑا مکس سا سسٹم ہوتا ہے. دا فیکٹ ہیز آلسو بین ہائی لائٹڈ بائی ہرمن فنر، کہتا ہے ٹو ہم دا مکسچر آف بوتھ پروڈیوس دا ہائی کمپلیکسٹی آف ماڈرن لوکل سیلف گورنمنٹ. سو دیئر از نو سسٹم ٹو وچ دا تھیورٹیکل ڈسٹنکشن بٹوین دا لوکل گورنمنٹ اینڈ لوکل سیلف گورنمنٹ میں اپلائی ایز سچ، یعنی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کہیں آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ خالی سیلف گورنمنٹ ہے تو بالکل ایسا بھی نہیں ہے، خالی یہ کہیں کہ بالکل لوکل چل رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہے، کہیں وہ ہے اور کہیں یہ. تاہم ہاؤ ایور دا سچویشن از ڈیٹ دا ٹرم سیلف گورنمنٹ اپیئرس ٹو بی ایمبریسنگ فار اٹ ہیز اراؤنڈ اٹ سیلف اے رنگ آف ورچیو وچ اٹ از انسیسری ٹو کلیم اینڈ آن اوکیزنز ڈیفیکلٹ ٹو جسٹیفائی. دیٹ از وائی اٹ ہیز بین رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی ایس آر میشروانی ڈیٹ دی ٹرم لوکل گورنمنٹ بینگ اے مورل ان نیچر، لوکل مورل ان نیچر ہے، از ٹو بی پریفر ٹو ورچیو امباڈیئنگ لوکل سیلف گورنمنٹ. یعنی کہنے میں لوکل کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، لوکل سیلف کو کم استعمال کرتے ہیں. لوکل جو ہے وہ پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو، اور جو ہے وہ آپ کا لوکل سیلف جو ہے وہ پولیٹیکل نظر آتا ہے یہ، اور خود سے بھی آپ کچھ کر کے اس